हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास सिक्स के 3 चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के 7th टॉपिक मूविंग थिंग्स अराउंड अस और 8th टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाते हैं जो हमारे चारों तरफ है। तो हमारे आसपास से हमारे स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, पीपुल सिटिंग ऑन द चेयर, पीपुल मूविंग अबाउट, लिस्ट मेनी हैव बटरफ्लाई, डॉग्स, काउ, योर हैंड्स ए स्मॉल बेबी, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, अ फैक्ट्री, अ पीस ऑफ स्टोन, ए हॉर्स, ए बॉल, ए बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन, वॉल ऑफ क्लॉक एंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक, वॉल क्लॉक और हैंड्स ऑफ द क्लॉक। तो इसमें से हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं कौन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है या फिर कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। जैसे कि हाउस, टेबल, क्लॉक, ये सब हॉस्ट में है और क्लॉक का जो अंदर का जो सुई होता है वो मोशन में रहता है। दूसरा फ्लाइंग बर्ड्स मोशन में रहता है, जो पीपल जो हम लोग के आसपास चलता है वो मोशन में होता है, जो चल रहा हो वो मोशन में होगा, जो पीपल सीटिंग भी होगा बैठा भी होगा तो उसमें भी मोशन होता रहता है। तो उसमें ब्रीथिंग के दौरान उसके हार्ट का मूवमेंट होता रहता है, तो अलग अलग मोशन होता है। जैसे हॉर्स दौड़ रहा होता है तो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में देखते हैं कि किस किस टाइप के मोशन शो किए जाते हैं, कि मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो स्ट्रेट रूट पे, सीधे रोड पे कोई व्हीकल मूव कर रहा होता है, जैसे कि सोल्जर्स पैरेड में सोल्जर्स जा रहे होते हैं, या फिर किसी स्टोन को ऊपर से अगर नीचे जब गिराया जाता है, या फिर जो रेसर्स होते हैं, स्प्रिंटर्स जो 100 मीटर का रेस लगाते हैं, तो वो भी जब दौड़ते हैं तो वो भी स्ट्रेट में दौड़ते हैं। तो जब भी मोशन होता है और स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। तो दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि फैन का मोशन, जैसे फैन में जिस तरह का मोशन होता है, क्लॉक के अंदर जो मोशन होता है, तो उस मोशन में प्रत्येक पॉइंट एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो उसमें जो मोशन शो करता है इस तरह के मोशन, तो उस मोशन को जहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है, तो उस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फैन या फिर वॉच का जो मोशन, क्लॉक का जो मोशन होता है, वो एक प्लेस से दूसरे जगह नहीं जाता, वो अपने ही सेंटर से हमेशा सेम दूरी पर मोशन करता रहता है। अब देखते हैं इन कुछ केस में ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केस में ना ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ देर के बाद, तो उस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल हो गया पेंडुलम। अब हम देखते हैं मोशन ऑफ स्विंग मशीन, सिलाई जो मशीन जो होता है उसके वो किस तरह का मोशन करता है। तो सिलाई मशीन का जो व्हील होता है वो एक ही डायरेक्शन, एक सेंटर से सेम दूरी पर घूम रहा होता है, राउंड राउंड घूम रहा होता है, तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसका नीडल जो होता है अप डाउन करता है, तो उसका नीडल जो होता है वो पीरियोडिक मोशन शो करता है। जैसे हम किसी बॉल को आगे की तरफ फेंकते हैं तो बॉल स्ट्रेट में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है और बॉल खुद ही अपने आप में रोटेशन करता हुआ आगे जाता है, तो वो एक ही साथ रोटेशनल मोशन भी शो करता है। तो बॉल एक साथ रोटेशनल मोशन भी शो करता है और दूसरा रेक्टिलिनियर भी शो करता है जब हम बॉल को फेंका जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन को पढ़ा। तो पहला टाइप था रेक्टिलिनियर मोशन में, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उस मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन ब्लेड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन के किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट अपने जो मोशन शो कर रहा है, तो उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहता है। और तीसरा
पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट अपने मोशन को फिर से रिपीट करता है, तो उस मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है पेंडुलम। तो ये हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का लास्ट वीडियो लेक्चर था, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइट शैडो शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।